नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुहानी कुमारी बिहार समस्तीपुर से। आज भैया हमारे घर पे आए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिला। तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग जानते हैं कि अभी राजा भैया के पास में हम आए हुए थे और रात में स्टॉपेज यहीं कर गए थे। तो आज का ब्लॉगिंग मेरा राजा भैया के साथ में, राजा भैया के घर पे ही होगा और उसके बाद में यहाँ सब निकलेंगे। तो फिलहाल तो आज का ब्लॉगिंग चलते हैं यहीं पे, राजा भैया के साथ में करते हैं। तो ये राजा भैया है, इनको तो भय खे जाने से आप लोग है ही नहीं। ये चाचा जी हो गए और ये चाची जी हैं और इन लोग का प्यार हमें बहुत मिला, जो कि अब कह नहीं सकते, ब्याह नहीं कर सकते, ब्याह करने योग है ही नहीं उतना जितना। नहीं, 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 क्या बात करते हैं, अभी भी भैया नीचे बैठे हुए थे, हम बोले शूट करते हैं, सब लोग मिलकर के देख रहे हैं मेहनत किस तरीके से जारी है। हाँ। मेहनत नहीं छूट रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप इतने दूर से आए, हमें सपोर्ट किए और फिर अभी फिर एक बार और भैया से मुलाकात होगा, उसमें जबरदस्त वाला ब्लॉग बनाएंगे। क्योंकि भैया तो अभी आनंद फानंद में आ गए, कोई प्लान ही नहीं बना था क्या करें क्या नहीं कहाँ जाए, और हम लोग का टूर भी होगा तो भैया के साथ में चलेंगे शूट उट करने के लिए, बढ़िया बढ़िया वाला। और इनको इंस्टाग्राम पे और ज़्यादा फॉलो कीजिए, वहाँ पे और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ये जब अगली बार आए तो 2 मिलियन करके आएंगे। चलिए थैंक यू भैया। हालांकि आए थे राजा भैया, आप सभी लोग जान रहे हैं जो राजा भैया को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, राजा भैया थोड़ा सा समस्या में चल रहे थे, साथ साथ में इनकी पूरी फैमिली भी, तो इसी के लेकर के आए थे कि चलो अब हमसे कुछ सहयोग नहीं हो पाएगा लेकिन शरीक तो हो सकते हैं। बिल्कुल, तो इसी के लिए हम शरीक होने के लिए आए थे कि भाई चलो हम पहुंचने के बाद कहीं राजा भैया से दुख बांट सकते हैं मिलजुल करके बात करके। तो चाची जी थोड़ा सा आप बताइए हमको, आप ही मिला, हम आपसे तो मिल करके बहुत खुशी हुआ, आप लोग को कैसा लगा हम आपके घर पे हैं? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा, जैसे बुझा रहा है जी मेरे राजा बेटा है, वैसा ही आप भी बेटा है, सब मेरे लिए बेटा बराबर है। बेटा को भी आगे बढ़ाइए, हमारे बेटा बहुत एकदम सुशील है, अच्छा है, और बेटा को इतना हमारे जाने के लिए सोच रहा है कि हम अपना घर पर जाएंगे, तो अपना क्या, अपना वहाँ भी घर है, यहाँ भी मम्मी के पास भी घर है। बेटा के कहना है जब मम्मी के बात सुनेंगे तो बहू का भी बात सुनना पड़ेगा। हम जाएंगे बहू के, बहू को डांट सुनेंगे तो बेटा बहू से डरा रहा है मम्मी के छोड़ करके। खैर कोई बात नहीं है, हमारे पोता पोती बहू जहाँ भी है वहाँ भी बहुत अच्छा सलामत रहे, बेटा भी सलामत रहे, बेटा के फिर भी हम अपना बुलाएंगे जी, अपना मिलते जुलते रहेंगे मम्मी के साथ। हमको फील ही नहीं महसूस हुआ कि हम मतलब घर से हट कर हैं। हाँ। ऐसा लगा ही नहीं कभी, जितना प्यार यहाँ पे मिला लगा जैसे हम घर में हैं, अपने पूरे फैमिली के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे लगा एकदम बिल्कुल बिंदास की तरह यहाँ पे रहे। और उम्मीद है कि आप लोग जो भी राजा भैया से मिलना चाहते हैं तो यार मेरे हिसाब से राजा भैया अगर कहीं दूसरे जगह सेटल होंगे तो मिलिएगा तो बेटर रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोग हैं हम प्रयास कर रहे हैं पूरा जारी में लगे हुए कि यहाँ से अलग क्यूट करें तो कहीं अच्छे जगह पे, तब वहाँ पे मिलेंगे। हाँ। तो देखिए सुहानी बहन भी आ गए यहाँ पे, सुहानी भी। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुहानी कुमारी बिहार समस्तीपुर से। आज भैया हमारे घर पे आए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिला। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं सुहानी कुमारी बिहार समस्तीपुर से। आज भैया हमारे घर पे आए तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिला। बहुत बहुत तो शिवानी अभी, सुहानी अभी रील्स ही बना रही थी, अपना काम में लगी हुई थी लेकिन इसका थोड़ा सा समय हम ले लिए। चलो नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसके नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो सुहानी अभी पढ़ रही है ना, माँ से बिछड़ कर बेटा दूर चल जाते तो अच्छा, माँ के नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है बेटा, अब दूर जाने के लिए सोच रहा है बहू के पास, माँ को तो दिल भी दहल रहा है। ऐसे बता दे हमारी मैडम जो है सुहानी का फैन है, रात भर हमको बोली, रात में भी 2-3 बार बोली हमको सुहानी से बात करा दीजिए, सुहानी से बात करा दीजिए, हालांकि अभी बात कराएंगे वीडियो कॉल, परेशान है कि हमको सुहानी से एक बार जरूर बात करा दीजिएगा। तो गाइज फाइनली अब अपना घर पे आ गए, राजा भाई के यहाँ से मिल करके घर पे हम अपने आ गए, वहाँ पे रात भर से रहे भी, आप लोग देखे ही रात भर वहाँ स्टॉपेज किए। बाकी में यार जो राजा भाई के पास अभी फिलहाल जितना कष्ट झेल रहा है वो उतना कष्ट झेलना बहुत मुश्किल है यार, जितना कष्ट में वो था, जो वीडियो बनाकर आप लोग को दिखा रहा था वो हकीकत में वो कष्ट में था। हालांकि अब धीरे धीरे उसकी कष्ट जो है ख़त्म होते जा रहा है, उम्मीदता है एक दिन और हमको उसका घर पे जाना होगा और बाकी सारे समस्या दूर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जय हिंद जय भारत।